दोस्तों नमस्कार, मैं जय और मेरे YouTube चैनल जेके जसपुर व्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी हम लोग खैरकोना मेला में हैं और यहां पर मेला में कुछ इस तरह का सीन है। दोस्तों मैं मधुरस चख रहा हूं और यहां पर भीड़ देख रहे हैं, लाखों की संख्या में उमड़ी हुई है। तो अंदर चलते हैं हम। तो भैया ये क्या बन रहे हैं सर? बड़ा पाव सर। ये बड़ा पाव कौन सा स्टाइल वाला है ये? तो इसका नाम क्या है? चौमिंग वाला बड़ा पाव। तो आप भी सीख गए बनाने? पति सीख गए तो नहीं सीखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये खैरकोना मेला है और यहाँ पर अभी कुछ लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही सारे गांव के लोग आए हुए हैं यहाँ पर आज। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा खैरकोना मेला में कुछ इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हर एक सामान घरेलू के सामान मिल जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अंदर दोस्तों और अंदर का पूरा चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो भाई कैसा कैसा प्राइस है आपका? वो वाला पिंक वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आदिवासी ड्रेस वगैरह। भैया कैसा कैसा प्राइस का है चश्मा? हाँ अजीत। तो यहाँ पर घरेलू सामान भी मिल जाएंगे आपको खैरकोना मार्केट में। तो देख सकते हैं दोस्तों बच्चों का खिलौना वगैरह यहाँ पर है। तो दोस्तों ऐसे वाले भी मिलते हैं यहाँ पर जिसमें बबल निकल। देख सकते हैं दोस्तों इधर कपड़ा वगैरह है पूरा। भैया सेल है या अलग अलग प्राइस है? अलग अलग प्राइस है ना? ओके। भयानक भीड़ है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए पूरा चूड़ी वगैरह श्रृंगार वगैरह इधर घरेलू हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। भैया हमारे बचपन की यादें को ताज़ा कर रहे हैं। सबका अलग अलग प्राइस है भैया? जेसीपी कैसा है? जेसीपी आपको 160 का पड़ेगा। ओके। और ऐसा ट्रक बस वगैरह ये सब आपको 170 पड़ेगा। ओके। जैसा हमारे यहाँ सर जैसे वो बड़े बड़े सबका वो सब का पड़ेगा उधर 350 का पड़ेगा। ऐसा क्या पटको उसको? तो ये कहाँ बन रहे हैं भटूरे? छोले तो ये है, ये भटूरे बन रहे हैं। अरे आगे हो आ गए हैं तो बन के रेडी हो गए छोले। तो भैया ये क्या बन रहा है सर? बड़ा पाव सर। ये बड़ा पाव कौन सा स्टाइल वाला है ये? तो जसपुर जिले और इस क्षेत्र में पहला लग रहा है। हाँ सर। इसका नाम क्या है? चौमिंग वाला बड़ा पाव। तो आप भी सीख गए बनाने? पति सीख गए तो नहीं सीखेंगे। दीदी इधर वड़ा पाव खिलाते हुए और जीजा उधर छोला भटूरा खिलाते हुए। और आप कौन? उनके साले? हाँ दीदी ये तो साले रही ना यार। तो टेस्ट करके बताओ छोले भटूरे का पहला कैसा टेस्ट है? कर अभी जीजा बनाया है ना छोला भटूरे तो नहीं खाओ। खाना खाना टेस्ट करो ना। चलो टेस्ट करो बताओ कैसे लगा मेला वाला बताओ। नमक ठीक है ना? नमक ठीक है। स्वादिष्ट लगा? उतना मसाला ज्यादा तुमने डाल दिया है। तो ये बड़ा वाला कैसे है? कौन बड़ा वाला? ये टब सब इधर वाला 300 का है, इधर वाला 100 का है। और वो पकड़े हैं वो डब्बा 150 का है। 150 का? ये छोटा 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 50 का है जी। तो आप पूरा प्लास्टिक सामान ही बेचते हैं ना जी? और ये बाल्टी वगैरह ये सब 150 का है। 150 का कोई सा भी 150 का भी है। ऐसा क्या? और छोटा वाला आगे का 30 का है। 30 का है जी। आप कहाँ से लाए हैं? हरा डिपा से। तो मग्गा वगैरह कैसा है? 20 का 30 का 20 का 30 का सब अलग अलग प्राइस में है ना।
गाइस यहां पर हम ढूंढने जाते हैं जसपुर में, वो मिल रहे हैं खैरकोना में, यहां सोना टंगाया हुआ है लेकिन लोगों की नजर नहीं पड़ रही है। भैया कैसा है ये सोना? हाँ 70 रुपये में। तो दोस्तों आज का एकदम रेट गिर गया है, आज कुछ ऑफर है 21 तारीख को, तो 70 रुपये में यहाँ पर सोना मिल रहा है। ठीक है तो भैया कैसे कैसे दिए कंबल? कंबल में दे रहा हूँ 500-400। जोड़ी? जोड़ी नहीं, सिंगल। सिंगल ले जाओ। तो भैया मछली कैसे रुपए किलो है? 200। और ये वाला 200। इसका नाम क्या है? 82। प्यासी। ये 83। रेहू है। ओके। और वो काला वाला, ये छोटा छोटा, ये कोतरी है। कोतरी। ओके। और ये चिंगरा है ना? और ये कटाया हुआ भी मिलता है? कैसे रुपए किलो? आधा 130। किलो पूछे, आधा कहे बता रहा हूँ। हाँ 260 बस ना। ओके। और वो पोर्ट कलेजी, वो सब पोर्ट कलेजी 75। पाँव में 75। का दवाई बनता है ये वाला बाबा? पेट का छोड़ के जितना भी शरीर में मथा पिरा है, लंगा तनन बनमारी, झुंझुनी, कनकनी, बिछिया, सब के लिए काम में आता है। कुंदरू जैसा दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? साफ डिंबू है। और वो सब वो डब्बा में क्या क्या है? ये डब्बा बना बनाया है, बना हुआ है। बता क्या बनाओगे? तो कैसे कैसे दिए गन्ना? ये छोटा वाला 10 का है। 10 वाला है। कैसन कैसन देवा था? 10 रुपया। आओ अपना यही वाला। हाँ वही वाला के दे। तो ये का है के मधुमक्खी वाला? जंगल वाला। भैया अंडा चौक है कैसे? 20 में 3। दोस्तों आज हम लोग अंडा पकौड़ा खाने वाले हैं। तो दोस्तों ये अंडा पकौड़ा है, तो सरोज भैया बताइए कैसा है? ठीक है। गन ले चुके हैं और इससे हम पहले निशानी सीखेंगे, उसके बाद में नेशनल चैंपियन खेलने के लिए जाएंगे, है ना भैया? कैसे रुपए दिए? सस्ता दिए हैं भैया। 80 ना? ओके। आप भी यहाँ आइए, पूरा डिस्काउंट है। तो दोस्तों ये रोड के ये साइड अपोजिट में भी इधर लगे हैं बढ़िया बढ़िया लड़कियों के लिए, और इधर क्रूश वगैरह हैं। ये रुमाल तो हाथ से बनाया टाइप का दिख रहा है, दिखता है लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, मशीन से ही। मशीन से ही ना? कैसा कैसे है प्राइस? 40 का 60 का अलग अलग ना, पीस के अनुसार में। ये सब पर्दा वगैरह कैसे दिए भैया? 200-250। और ऊपर वाला सूट वगैरह? ऊपर है 100। से लोग छपवाते हैं, हाथ से टैटू है ना, हाथ से बना रहे हैं। रेट देंगे यार बोले मोल भाव नानर की 4,000-4,500 बोले इधर ने बहुत मोल भाव कम था 3,500 ही बच कम। अच्छा हाँ बोले फिर हूँ बढ़िया लग गया, इसका राजीव गुट्टी हूँ बढ़िया लग गया, मार्शल बादाम इतना संगे मैं 300 यहाँ पता खड़गांव ले लूँगा, जिला रायगढ़। अच्छा हाँ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।
ताला लगा के जैसे कि